प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के बाद अब जुलाई में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। वाराणसी से 2014 में पहली बार लोकसभा के सदस्य बनने के बाद उन्होंने देश की प्राचीनतम नगरी को नवीनता तथा दिव्यता देने के सैकड़ों काम को शुरू करने के बाद अंजाम तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी दौरे पर सबसे पहले अक्षय पात्र रसोई का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा वैसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह थे। अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से अर्दली बाजार में एलटी कॉलेज परिसर में स्थापित देश की 62वीं व प्रदेश की इस चौथी केंद्रीकृत मध्यान्ह भोजन रसोई में एक घंटे में 40,000 रोटियां बनेंगी तो 45 मिनट में 130 किलोग्राम चावल पक जाएगा। वही 1200 किलोग्राम दाल सब्जी पकने में सिर्फ 1.5 घंटे लगेंगे जो 6,000 बच्चों के लिए पर्याप्त होगा। आटा गूंथने से लेकर रोटी बनाने, दाल चावल सब्जी धोने, मसाला पीसने और पकाने तक का काम अत्याधुनिक मशीनों से होगा। इस तरह इस रसोई को प्लांट कहा जा सकता है। इसकी क्षमता 4 घंटे में 1,00,000 बच्चों का भोजन तैयार करने की है। पहले चरण में सेवापुरी ब्लॉक में 48 परिषदीय विद्यालयों में 27,000 बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। रसोई के लिए प्रदेश सरकार ने एलटी कॉलेज परिसर में 3 एकड़ जमीन दी है। साथ ही 23 करोड़ के प्रोजेक्ट में 13 करोड़ रुपए का भी सहयोग किया गया है। शेष धन की व्यवस्था फाउंडेशन की ओर से की जाएगी। अपनी आध्यात्मिकता व प्राचीनता को संरक्षित करते हुए काशी विकास के नित नए प्रतिमान गढ़ रही है। 2014 से यहां सांसद चुने जाने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नव्य भव्य बनाने का हर प्रयास कर रहे हैं। दिसंबर 2021 तक पीएम मोदी काशी वासियों को 310 विकास परियोजनाओं की सौगात दे चुके हैं। पूरी हो चुकी इन परियोजनाओं पर 15,895 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आरती। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।